हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा अपने चैनल फ्लेवर्स बाय सुषमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं लेकर आती हूँ कुछ बहुत ही डिलीशियस क्रिएटिव डिशेस। अगर आपको पसंद आती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिले। पिस्ताशियो केक बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे वनीला स्पॉन्ज केक। इसके लिए हमने यहाँ पर लिया है केक टिन, ये 7x7 इंच का है। इसको सबसे पहले हम ग्रीस कर लेंगे। अब इस पर हम लगा देंगे पार्चमेंट पेपर और इसको भी ग्रीस कर देंगे अच्छे से। एक टिन अच्छे से ग्रीस हो गया, इसको किनारे रख देंगे। अब हम तैयार कर लेंगे अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स। इसके लिए हमने यहाँ पर लिए ये मैदा, ये 2 कप है और वेट में है 350 ग्राम्स। इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर 2 टीस्पून और बेकिंग सोडा 1 टीस्पून और इसको अच्छे से छान लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स तैयार हो गए, इनको भी साइड में रख देंगे। यहाँ पर हमने लिया है 160 ग्राम बटर, ये रूम टेम्परेचर पर है, और ये है हमारा होममेड कंडेंस मिल्क, ये वेट में है 300 ग्राम्स और ये भी रूम टेम्परेचर पर ही है। सबसे पहले हम बटर को बीट करेंगे। अब ऐड कर देंगे ये कंडेंस मिल्क। अब इसको भी बीट करेंगे। यहाँ पर हम चीनी ऐड कर रहे हैं, ये 5 टेबल स्पून है, और अब इसको बीट करेंगे 5 से 7 मिनट तक। देखिए कितना फ्लफी हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टीस्पून वनीला एसेंस और अब ऐड करेंगे आधा मैदा का मिश्रण और आधा कप दूध और इसको लाइटली मिक्स करेंगे। और दूध भी, अब इसको हल्का बीट करेंगे, ओवर बीटिंग नहीं करेंगे। ये देखिए इसका बैटर तैयार हो गया है। अब हम इसको केक टिन में पलट देंगे। इसको इस तरीके से हम एक स्क्वायर से कर देंगे नीचे तक, जिससे इसके बीच में अगर कहीं पर भी ट्रैप हो हवा तो वो निकल जाए। हमारा ओवन जो है वो 180 डिग्री पर प्रीहीट हो चुका है। चलिए ओवन में रखते हैं। केक का बेकिंग टाइम यहाँ पर मैंने 30 मिनट सेट किया है, लेकिन 20 मिनट्स के बाद हम चेक कर लेंगे कि अगर इसमें ब्राउनिंग होने लगेगी तो ऊपर से हम स्टील फॉइल लगा देंगे, जिससे कि ओवर ब्राउनिंग ना हो और केक भी अच्छे से बेक हो जाए। वाह, क्या बढ़िया गोल्डन कलर आया है। केक बहुत अच्छे से बेक हो गया है, मैं चेक करके दिखाती हूँ आपको। देखिए एकदम बढ़िया स्क्वायर निकल आया साफ। अभी क्योंकि बहुत गर्म है तो 10 मिनट के लिए हम गीले कपड़े से इस तरीके से ढक के इसको रखेंगे और उसके बाद इसको निकाल करके जाली पर रखें, बिल्कुल पूरी तरह से ठंडा करेंगे, फिर आइसिंग करेंगे तो आपको दिखाएंगे। फ्रेंड्स, जब तक हमारा केक ठंडा हो रहा है तब तक हमने यहाँ पर ले ली है नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम। इसमें शुगर पहले से एडेड है और ये है 500 ml। इसको हम व्हिप कर लेंगे। यहाँ पर हीट बहुत ज्यादा है, इसलिए थोड़ी सी आइस रख दी नीचे दूसरे बोल में, और जिससे आसानी से व्हिप हो जाए क्रीम।
क्रीम देखिए बहुत अच्छे से बीट हो गई है और स्ट्रिप पीक बनने लगी हैं। यहीं पर हम ऐड करेंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून। क्योंकि इस क्रीम में पहले से ऐड होती है शुगर, इसलिए शुगर ऐड नहीं करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे एक बार। यहाँ पर हम चूंकि पिस्ताशियो केक बना रहे हैं तो क्रीम में हल्का सा कलर मिलाएंगे ग्रीन, इससे पिस्ताशियो का कलर आ जाए। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का फूड कलर यूज किया है, देखिए बढ़िया कलर आ गया है। अब हम इसको कोन में भर लेंगे और आगे का स्टेप करते हैं। यहाँ पर देखिए हमने दूध में शुगर और सैफरान घोल के रखा हुआ है, इसी से हम मॉइस्ट करेंगे केक को। यहाँ पर हमने 1/4 कप पिस्ते लेकर के उनको ग्राइंड कर लिया है, कोस लिए, बहुत महीन नहीं करना है। अब इसको हम 30 मिनट्स के लिए फ्रिज में रख देंगे। केक हम फ्रिज से निकाल रहे हैं, दोबारा आइसिंग करेंगे फाइनल। तो देखिए फ्रेंड्स, ये तैयार हो गया हमारा पिस्ताशियो क्रीम केक। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।